हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया से होगा। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिंह में फैक्ट्स पर। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश की जहाँ गर्लफ्रेंड उधार में मिलती है। यहाँ के अमीर लोग अपनी जगह किसी और को जेल भेज सकते हैं और यहाँ पर टेबल कुर्सी को छोड़कर सब कुछ खाया जाता है। दोस्तों, क्या आप समझ पाए हम किस देश की बात कर रहे हैं? आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे अजीबोगरीब देश चाइना की। दोस्तों, चीन दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश है। इसके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। इस अद्भुत देश के बारे में कहा जाता है कि यहाँ टेबल कुर्सी को छोड़कर हर चार पैर वाली चीज खाई जाती है। दोस्तों, चीन में अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या अमेरिका से भी ज्यादा है। इस देश की जनसंख्या लगभग 145 करोड़ है। दोस्तों, चाइना विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। चाइना जिस तेजी से अपने देश और देशवासियों का विकास कर रहा है, वो दिन दूर नहीं जब चीन की बादशाहत अमेरिका और रूस की तरह पूरे विश्व में होने लगेगी। इस देश की राजधानी का नाम बीजिंग है, जिसे कालांतर में यानजिंग और बीपिंग के नाम से भी जाना जाता था। समय के साथ इसके नाम में कई बदलाव हुए और यह अब बीजिंग के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, क्या आपको पता है आइसक्रीम का आविष्कार भी इसी देश में हुआ है? तो अब जब भी आप आइसक्रीम खाएंगे तो कृपया एक बार चीन का धन्यवाद जरूर करना। मित्रों, चीन में एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर गर्लफ्रेंड उधार में मिलती है। यहां पर कुछ पैसे देकर आप अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हैं। 1973 में चाइना ने अपनी 1 करोड़ महिलाएं अमेरिका को दे दिया था ताकि वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ सके। दोस्तों, हम में से हर किसी ने कभी ना कभी पतंग जरूर उड़ाई होगी, लेकिन यह भी एक आश्चर्यजनक बात है कि पतंग का आविष्कार भी चाइना में ही हुआ था। वहाँ पर अमीर लोग अपने बदले दूसरे को जेल भेज सकते हैं। वहाँ के कानून में इस तरह का एक प्रावधान है कि अगर आपकी आर्थिक स्थिति एकदम अच्छी है तो आप अपने बदले दूसरे को जेल भेज सकते हैं। इसके बदले आपको उस व्यक्ति को कुछ मुआवजा देना होगा। दोस्तों, चाइना ने अपने देश के लोगों पर इंटरनेट इस्तेमाल से जुड़ी तमाम पाबंदियां लगाई हुई है। जहां अन्य देशों के लोग फेसबुक और ट्विटर जैसी लोकप्रिय सोशल मीडिया साइट से एक पल के लिए भी दूर नहीं रह सकते, वहीं चीन में साल 2009 से फेसबुक और ट्विटर पर बैन लगाया हुआ है। चीन ने सरकार के खिलाफ आर्टिकल पब्लिश करने पर 2012 में न्यूयॉर्क टाइम्स का ऑफिस बंद करवा दिया था और सारे स्टाफ को देश से निकाल दिया था। दोस्तों, यही नहीं, यह देश कॉपी करने में भी सबसे आगे है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पायरेसी के मामले में चीन दुनिया का नंबर वन देश कहलाता है। दोस्तों, अगर आप हॉट एयर बैलून से धरती को निहारने निकलेंगे तो चीन का यांगसुओ शहर सबसे खूबसूरत नजर आएगा। यह शहर अपनी खूबसूरती के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है।